सुषमा स्वराज। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि जिन राज्य सरकारों ने मनरेगा को अपनी स्थानीय योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है, उन्होंने मनरेगा को और प्रभावी बनाया है, मनरेगा को कमजोर नहीं किया। क्योंकि मनरेगा में केवल मिट्टी का काम होता है, वो उस राज्य सरकारें उन योजनाओं में मिट्टी का काम मनरेगा से करवा करके लोगों को रोजगार दे देती हैं और अन्य खर्चा अपने खजाने से करके कोई स्थायी संपत्ति का निर्माण भी कर लेती हैं। इसलिए इस बात को बुरा मानने के बजाय इन राज्य सरकारों की अन्वेषक बात के ऊपर इनोवेशन के लिए इन राज्य सरकारों को पारितोषिक दिया जाना चाहिए, न कि उनकी राशि समाप्त करने की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। आप उनकी राशि बंद करने का काम कर रहे हैं। जिन राज्य सरकारों ने ऐसी योजनाएं नहीं चलाई, वह केवल गड्ढे खुदे पड़े हैं और बारिश आती है तो दलदल हो जाती है। लेकिन ये राज्य सरकारें जो स्थानीय योजनाओं के साथ इसको जोड़ रही हैं, वो लोगों का भी काम कर रही हैं और विकास का भी काम कर रही हैं और लोक कल्याण के लिए मनरेगा का इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए उनको इनाम दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा आवश्यक है समझना। एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत शेड्यूल 1 के अंतर्गत वर्क आइडेंटिफाई कर रखे हैं। एक्ट के वायलेशन का अधिकार किसी को भी नहीं है, न किसी सरकार को न किसी को। एक्ट का जब तक पालन नहीं किया जाएगा, हम आपसे आशा करते हैं प्रतिपक्ष के नेता से कम एक्ट की पालन करने की जिम्मेदारी आपकी सरकारों की भी है कि एक्ट का पालन करें। एक्ट का वायलेशन करने का अधिकार नहीं है। एक्ट का वायलेशन होता है तो FIR दर्ज होती है, उसका काम होता है। ठीक है, धन्यवाद।